डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है ग्यारहवें राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी एनआईएफ के राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार प्रदान किए इन पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र यानी आर में दस अप्रैल को किया गया इस बार इन पुरस्कारों का ये ग्यारहवा संस्करण था गौरतलब है की राष्ट्रपति ने आर के पास स्पोर्ट्स ग्राउंड में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेनशिप यानी फाइन 2023 का भी उदघाटन किया फाइन एक अनूठा प्रयास है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देता है और नागरिकों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करता है आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार द्विवार्षिक पुरस्कार हैं। इनका पहला संस्करण 2001 में आयोजित किया गया था ये एन भारत की पहल है अब बात करें एन इंडिया यानी राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत की तो इसकी स्थापना मार्च 2000 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से की गई थी ये जमीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए भारत की राष्ट्रीय पहल है इस कमीशन ऐसे नव प्रवर्तकों के लिए नीति व संस्थागत स्थान का विस्तार करके भारत को एक रचनात्मक और ज्ञान आधारित समाज बनने में, में मदद करना है आपको बता दें कि एन ने देश के 625 से अधिक जिलों से तीन लाख पच्चीस हजार ऐसी अधिक तकनीकी विचारों नवाचारों और पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं का एक डेटाबेस तैयार किया है एनआईएफ ने अपने विभिन्न पुरस्कार समारोहों में एक हजार तिरानवे ग्रासरूट नव प्रवर्तकों और स्कूली छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है